हेलो दोस्तों, परीक्षा प्लस में आपका स्वागत है। जैसे कि हमारा जान रहे हैं आप लोग, जूनियर असिस्टेंट का टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसके टेस्ट टू जो है वो भी आपका लाइव हो चुका है। ठीक, बच्चों ने टेस्ट दे चुका है, उसकी वीडियो सॉल्यूशन आज मैं आपको देने आया हूँ। रीजनिंग सेक्शन का जो क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 90 तक है, और आपका जो ये क्वेश्चन बन रहा है, जो भी अब नए क्वेश्चन बन रहे हैं, नए पैटर्न पर फ्रेम हो रहे हैं, आप देखिए आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे। तो चलिए पेपर पे देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आपका जो आया था वो डाटा सफिशिएंसी से शुरू किया गया था। एम के कितने बच्चे हैं, क्वेश्चन नंबर 61, टेस्ट 02, ठीक है, रीजनिंग का। तो इसमें एम के कितने बच्चे बताना है, तो पहला आपका स्टेटमेंट है, मैं शॉर्ट में जल्दी जल्दी बताते चलूंगा ताकि आप लोग भी बोर ना हो देखते वक्त। चलिए, एच एक्स का एकमात्र बेटा है। एच जो है किसका एकमात्र बेटा है, एक्स का, प्लस लिख दिए पहले स्टेटमेंट में बोला है। जो एम की पत्नी है, जो एम की पत्नी, वो जो किसके लिए, एच के लिए आया, तो एम की पत्नी है तो एम यहां हो जाएगा। एच जो है एक्स का एकमात्र बेटी है, सॉरी यहां पे माइनस होगा, और एम की पत्नी है। उसके बाद सेकेंड आपका बोल रहा है स्टेटमेंट, के और जे एम के भाई हैं। के और जे दोनों क्या है, एम के भाई हैं। तो आपको इससे कैसे पहला और दूसरा दोनों मिला के ये बन गया, दूसरा तो ये बन रहा था कि के और जे एम के भाई हैं। इससे कहीं दोनों स्टेटमेंट से ये नहीं पता चल रहा कि एम के कितने बच्चे हैं, तो हम कहेंगे दोनों स्टेटमेंट पर्याप्त नहीं है, मतलब दोनों की जरूरत नहीं है, नहीं हो पाएगा इससे हमारा आंसर। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे, कोडिंग डिकोडिंग है। ये बोल रहा है कि आर ई जी एच टी एस को कोड किया गया है क्यू जी डी जी वी पी से, और पूछ रहा है आपसे कि DRSFTY का कोड क्या होगा। इसे देख लेते हैं, 18, 5, 7, 8, 20, 19, 17, 7, 4, 7, 22, 16, 18 से एक कम हुआ, ठीक, E से बढ़ गया प्लस दो, यहां देखो 7 से कम हो गया कितना, -3, तभी तो 4 पे आएगा। फिर इसमें देखते हैं 8 से 7, मतलब -1 कम हुआ, इसमें देखते हैं कितना बढ़ गया +2, और यहाँ पे देखते हैं 19 से 16 कितना -3, मतलब +1, -1, +2, -3 यही चल रहा है। तो सेम वही चीज़ हम इसे प्रोसीड कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इनकी नंबरिंग 4, नंबरिंग करना मत भूलना, जी नंबर याद होना चाहिए अल्फाबेट से, 4, 18, 19, 6, 20, वाई कितने पे आता है 25, यहाँ से करोगे तो -1, डी से -1 आपका आएगा सी, यहाँ से +2 तो 18, 2, 20 टी, यहाँ से -3 तो यहाँ हो जाएगा पी, और यहाँ से फिर -1 तो यहाँ हो जाएगा ई, और यहाँ से +2 तो यहाँ वी, और यहाँ से आपको -3 करना है तो 22, 3, 25, मतलब फिर से भी सी टी पी ई डबल वी, मतलब आपका ऑप्शन जो होगा बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन, सिंपल सा कोडिंग है, डेयर को कोड कर दिया गया है किससे, ई ए आर डी से, तो पूछ रहा है गेम का कोड क्या होगा। तो देखिए ई यहाँ आ गया, ए यहाँ आ गया, आर यहाँ हो गया, और डी लास्ट वाला यहाँ चला गया, बस हमें भी ऐसे ही करना है, लास्ट वाला पहले आएगा ई, उसके बाद से आपका ए जो है, ए आपका वही रहेगा ए, एम आपका वही रहेगा, और जी जो है यहाँ पे आ जाएगी ई ए एम जी, तो ई ए एम जी ऑप्शन ए होगा आपका, तो आंसर ए हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, 64 में आपका सीरीज है, सीरीज को देखते हैं, आसान सी सीरीज है, 18, 36, 54, 70, अगला है आपका 90, 108, 126। अब इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि दी गई श्रृंखला में कौन सा श्रृंखला गलत है, सीरीज में ये दिया गया है, बोल रहा है कौन सा गलत है। यहाँ से देखें तो यहाँ 18 प्लस हुआ, यहाँ से जब देखें तो 8, 6, 14, यहाँ भी 18 प्लस हुआ, यहाँ भी 18 प्लस होगा, तो 8, 4, 12, 72 होना चाहिए, मगर यहाँ 70 है, तो 72 में फिर 18 प्लस करेंगे, 8, 2, 10, 7, 1, 8, 1, 90, मतलब सब में 18, 18 प्लस होता जा रहा है,
सब में 18 प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे 70 है, इसलिए हमारा ये 70 जो है इस सीरीज को फॉलो नहीं करना कर रहा है, 72 होना चाहिए था। तो ऑप्शन सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी सीरीज का ही है। अगला क्वेश्चन 65 नंबर पे है। 1, 5, 17, 37, 65, 101 अगला सीरीज पूछ रहा है आपसे, इसे देखते हैं ये क्या हो जाएगा। 0 का स्क्वायर प्लस 1, इसे देखें तो 2 का स्क्वायर प्लस 1, 4, 1, 5, और यह हो जाएगा आपका 3, 4 का स्क्वायर प्लस 1, और यह हो जाएगा 5 के बाद 6, 6 का स्क्वायर प्लस 1, 7 छोड़ दो 8, 8 का स्क्वायर प्लस 1, 9 छोड़ दो 10, 10 का स्क्वायर प्लस 1, 11 छोड़ दो 12, 12 का स्क्वायर प्लस 1, 144 प्लस 145 होगा इसका आंसर। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अगला सीरीज पे आते, काफी आसान था। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका थोड़ा नया है कुछ, जैसे क्वेश्चन नंबर 66 बता दे रहा हूं मैं। 2 हैश स्टार 4 इक्वल टू 2, अगला है 4 हैश स्टार 4 इक्वल टू 16, तो पूछ रहा है 6 हैश स्टार a इक्वल टू 18, तो ए की वैल्यू पूछ रहा है कि ए की वैल्यू क्या होगी। तो आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि जो ये देखो 4 और 2, हमें क्या करना है, 4 और 2 का एस सी एफ क्या होता है, एस सी एफ 4 और 2 का, 4 का करोगे फैक्टर तो 2 इंटू 2, और 2 का करोगे तो 2 इंटू 1, तो यहाँ से कॉमन क्या आपसे मिलेगा, 2 मिलेगा, तो एस सी एफ इसका 2 होगा, तो यहाँ पे एस सी एफ लिखा हुआ है, दोनों का एस सी एफ मिला के यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही 4 और 16 का करोगे तो 4, 2 इंटू 2, और 16 का करोगे तो 4 इंटू 4, मतलब 2 इंटू 2, तो 2, 2, 2 कॉमन मिल जाएंगे, तो इसका एस सी एफ क्या हो जाएगा आपका, हाँ इसका एस सी एफ 4 होगा, यहाँ 2 यहाँ 4, तो इन दोनों का एस सी एफ 4। ऐसे ही 18 और यहाँ पे क्या होगा कि ए की वैल्यू क्या होगी जिसका एस सी एफ 6 हो। ठीक है, तो आप देख सकते हो ऑप्शन ए 12, इसका क्या होगा 4 इंटू 3, और 18 का एस सी एफ कितना होगा, मतलब फैक्टर करेंगे तो 6, 3 जा 18, इसको लिख देंगे 3 इंटू 2 इंटू 3। ठीक, तो यहाँ से 3 इंटू 2 आ गया, और यहाँ से भी अगर 4 को करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 3 इंटू 2 3 इंटू 2 कॉमन हो जाएगा, तो इसका एस सी एफ क्या हो जाएगा आपका 6। देखो 6 है, तो यहाँ पे 6 दिखा रहा है कि अगर क्या होगा कि यहाँ पे 6 एस सी एफ होगा, तो अगर हम 12 ले लें तो हमारा एस सी एफ 6 आ जा रहा है, बाकी किसी ऑप्शन में हमारा एस सी एफ 6 नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 12 होगी। ठीक, तभी 12 और 18 का एस सी एफ कितना होगा, 6 होगा। अगला क्वेश्चन 67, मैंने बताया था कोटेड ब्लड रिलेशन, इसको आसानी से चेक करना है आपको ऑप्शन के फॉर्म में, ऑप्शन में लिख के बता दे रहा हूँ। ऑप्शन ए है 67 में, यह है m डिवाइडेड बाई टी माइनस आर, ऑप्शन बी है r माइनस डिवाइडेड बाई टी माइनस m, ऑप्शन सी है r इंटू टी प्लस m इंटू जे, ऑप्शन डी है r प्लस टी माइनस m डिवाइडेड बाई जे। क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन में बोल रहा है p इंटू क्यू, p और q की बहन है, p प्लस q, p q की माँ है, सब में p का रिलेशन दिया है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आर एम के चाचा है, आर एम के चाचा हैं, तो आर का जो जेंडर हो जाएगा क्लियर हो गया प्लस, तो हमको प्लस देखना है। टी माइनस आर, देखो मैंने बताया था कि इसमें जब पूरे इंस्ट्रक्शन में पहले वाले का जेंडर दिया गया है और पति पत्नी किसी में दिया नहीं गया है, तो ये ऑप्शन तो हमारा पहले ही गलत हो जाएगा, क्योंकि आर का हमें जेंडर कन्फर्म नहीं हो पाएगा। इसमें देख लेते हैं, आर डिवाइडेड बाई टी, तो डिवाइडेड का मतलब दिया गया है कि पी क्यू का भाई है, तो आर टी का भाई इसका प्लस आ रहा है, चलो ठीक है ये आंसर हो सकता है। आर इंटू टी मल्टीप्लाई देखते हैं, तो पी क्यू की बहन है, मतलब आर टी की बहन, ये माइनस आ गया, तो ये आंसर नहीं होगा। आर प्लस टी, प्लस टी का मतलब हो गया कि पी क्यू की माँ है, मतलब आर टी की माँ है, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, तो बचा क्या, ऑप्शन बी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है सिंपल सा है, 68 में बता दे रहा हूँ, इसमें बोल रहा है कि आपको बताना, एनालॉजी है कि आयतन लीटर में होता है,
तो क्षेत्र किसमें होगा, हेक्टेयर में होगा, इसका ऑप्शन ए होगा सही। 69 में आते हैं, यह आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है। कथन बोला जा रहा है 69 में कि सिपाही अपने देश की सेवा करते हैं, दूसरी कथन है कि छात्र सिपाही नहीं है, ठीक है। तो आपका निष्कर्ष क्या निकलेगा, पहला निष्कर्ष है छात्र अपने देश की सेवा नहीं करते, ये सही होगा क्योंकि यहाँ जो दिया गया है कि सिपाही अपने देश की सेवा करते हैं, छात्र सिपाही नहीं है, मतलब छात्र सिपाही नहीं है, इसका मतलब कि अगर वो सिपाही नहीं है तो वो देश की सेवा नहीं करेंगे, ठीक। हमें सिर्फ स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकालना है, आप लोग इसमें इमोशनली ना बह जाइएगा, ठीक है। तो पहला हमारा सिर्फ इसका सही होगा निष्कर्ष। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 डिस्टेंस डायरेक्शन से क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, एक बच्चा अपने पिता को ढूंढ रहा है, वो दाएं मुड़ने से पूर्व, ठीक है। एक बच्चा अपने पिता को ढूंढ रहा है और दाएं मुड़ने से पूर्व कितना 90 मीटर पूर्व की ओर चलता है, तो 90 मीटर पूर्व की ओर चला, उसके बाद दाहिने मुड़ा, ठीक है, दाहिने मुड़ा, उसके बाद से फिर वो दोबारा दाएं मुड़ने से पूर्व, मतलब फिर से दाएं मुड़ने से पूर्व कितना चला, 20 चला, उसके बाद फिर बोल दिया जा रहा है कि वो फिर से दाहिने मुड़ा और कितना चला, 30 चला, ठीक। उसके बाद उसके पिता वहाँ नहीं है, यहाँ से वो गली में अपने पिता से मिलने से पूर्व उत्तर की ओर 100 किलोमीटर चला। अब वो किसी गली में उसके पिता हैं जो 100 किलोमीटर की दूरी पे हैं, तो 100 ये हो गया पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि ये डिस्टेंस आपकी 20 है, तो ये मान लो 100 हो गया। अब इससे बोला जा रहा है कि लड़का अपने पिता से आरंभिक बिंदु से कितनी दूर पे है, मतलब ये उसका यहाँ से चलना शुरू किया था लड़का और पिता यहाँ उसको मिले हैं, तो यहाँ से पूछ रहा है डिस्टेंस कितना है उसकी, ठीक है। तो अब देखते हैं, अगर ये टोटल कितना है 20, तो ऊपर वाला ये कितना हो जाएगा, ये 20 हो गया, तो ये 80 क्योंकि टोटल 100 का है, और ये 30 है तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 60 का, ठीक। ये 60 हो गया, ये 80 हो गया, तो ये निकालना है आपको, तो आप पाइथागोरस लगा लीजिए इस पर, तो क्या होगा अंडर रूट 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, तो आप सब जानते हो ये हो जाएगा 64 00, ये होगा 36 00, 64 36 को करोगे तो 100 00 00 00, ठीक। तो ये आएगा, तो इसका जब आंसर आएगा वो 100 आएगा, रूट लोगे तो ये होगा इसका 100, तो ये आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी है इसका आंसर। अगला आते हैं फिगर का है 71, आसान सा फिगर है जिसका आंसर ऑप्शन जो बी होगा। कलर किया गया है एक पार्ट को, पहले एक सिंपल ऐसा दिया गया है, फिर एक पार्ट ऐसा दिया गया, इसे कलर कर दिया गया, वैसे सर्किल है उसका एक पार्ट दिया गया, पूछ रहा है अगला क्या होगा, तो इसका कलर वाला पार्ट होगा जो ऑप्शन बी होगा, आसान सा है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ये भी 72, ये भी आसान है, इसमें आपको विषम चुनना है, ऑड वन आउट। इसमें बोल रहा है कि विषम शब्द बताइए, मीटर है, फ्लॉन्ग है, एकड़ है, माइल है, बाकी सब डिस्टेंस के यूनिट है, मगर एकड़ जो आपका क्षेत्र का फल का यूनिट है, तो इस एरिया का यूनिट है, तो इसलिए ये ऑड हो जाएगा। 73 में भी आपको जो ऑड वन आउट है, तो इसका भी आंसर डी होगा, बाकी साइंटिस्ट हैं वो साइंटिस्ट नहीं है जो ऑप्शन डी में दिया गया है नाम। 74 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, इसी टाइप का क्वेश्चन आपके लोअर में पूछा गया है, डायग्राम बना दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि ये डायग्राम किस निष्कर्ष को फॉलो करेगा। जैसे यहाँ है जनवरी, पूरा का पूरा क्या है फरवरी है, फरवरी मार्च है, और मार्च जो है आपका अप्रैल नहीं है, और अप्रैल के अंदर क्या है मई है। तो आपसे पहला ऑप्शन जो है पूछ रहा है कि ये डायग्राम किस निष्कर्ष को फॉलो करेगा, किस निष्कर्ष को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन जो है आपके लोअर में आया था कि कौन सा इस डायग्राम को कौन सा निष्कर्ष फॉलो करेगा, और मैंने क्वेश्चन में चेंज किया है कि आपका ये डायग्राम जो है किस निष्कर्ष को फॉलो नहीं करेगा। तो पहला, सभी जनवरी जो है फरवरी हैं, हाँ हैं, तो पहला आपका तो फॉलो हो रहा है, आपको ये देखना है कि कौन सा नहीं फॉलो करेगा। ऑप्शन बी, कोई मार्च अप्रैल नहीं है, यहाँ दिखाया जा रहा है, ये भी सही है। अगला है ऑप्शन सी, सभी जनवरी मई होने की संभावना है, सभी जनवरी के मई होने की संभावना है, हाँ सभी जनवरी मई हो सकती है, मई अप्रैल हो सकता है, और इनके बीच में हम नो का रिलेशन दिखा सकते हैं, तो ये संभावना है, तो ऑप्शन सी भी सही होगा, मगर ऑप्शन डी
गलत होगा ऑप्शन डी, क्योंकि सभी फरवरी मई होने की संभावना है। सभी फरवरी मई नहीं हो सकता, क्योंकि जो ये फरवरी का ये पार्ट जो है जो मार्च से रिलेटेड है, और ये मार्च अप्रैल से नो का रिलेशन बना रहा है, तो अप्रैल से बना रहा है तो मई से भी नो का रिलेशन बनाएगा, इसीलिए फरवरी का ये पार्ट कभी भी मई नहीं हो सकता। तो इसलिए ऑप्शन डी जो होगा वो क्या होगा आपका, फॉलो नहीं करेगा, ये गलत होगा, ये संभावना नहीं हो सकती है। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा, हमसे पूछा था कौन सा नहीं फॉलो कर सकता, तो हमारा ऑप्शन डी जो होगा वह नहीं फॉलो करेगा। अगला क्वेश्चन 75 सेम हूबहू डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो टेस्ट वन में जिस तरह से आपने कॉन्सेप्ट से मैंने आपको बताया है सेम उसी कॉन्सेप्ट पे है। दो डाइस दिया हुआ है सेम, तीन, एक और पांच। अगला डाइस है आपका दो चार छः। बोला गया इसमें कि चार के अपोजिट में तीन है, चार के अपोजिट में तीन है, मतलब ये चार जो है वो तीन के अपोजिट में, तो तीन के अपोजिट में यहाँ चार कर दें, ठीक है, नीचे वाले स्तर पे चार रहेगा, तो आपको क्लॉकवाइज चलना है इस चार से और इस चार से, दोनों में सरफेस चार कॉमन हो गया, इससे चलोगे क्लॉकवाइज तो चार दो छः लिखोगे, और इससे चलोगे क्लॉकवाइज तो चार एक पाँच लिखोगे। आपके अपोजिट किससे पूछा गया है, दो के अपोजिट पूछा गया है, तो दो के अपोजिट में क्या होगा, एक होगा, तो आपका ऑप्शन कौन सा, एक सही, ए जो होगा आपका आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 76 फिगर का रिलेशन क्वेश्चन है, 76 का आंसर जो होगा आसान सा फिगर है वो ए होगा, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। अगला 77 है, एनालॉजी बेस है, बोला हमेशा जैसे कभी नहीं से रिलेटेड है, हमेशा कभी नहीं क्या विपरीत है, तो वैसे आपको युग्म निकालना है कि कौन सा सेम ऐसे बता रहा है, तो ऐसे युग्म में अक्सर और शायद ये दोनों अपोजिट हैं, अक्सर और शायद दोनों विपरीत मीनिंग है, तो ये हमारा पहला ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 78 पे आते हैं कोडिंग डिकोडिंग, चलिए 78 कोडिंग डिकोडिंग, शेयर का कोड SHARE को कोड किया गया TSBIF, आपसे पूछा जा रहा है उसी में, इसी में DARDARES इसे कोड किया जा रहा है EFSBT, ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है WHEAL का कोड क्या होगा, तो पहले इसे देख लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं 19 8, ठीक है, 1 18 5, 20 19 2 9 6, यहाँ देख लें 4 1 18 5 19 5 6 19 2 20, ठीक है, तो यहाँ से S से T प्लस वन हुआ, H से 19, तो ये तो यहाँ से दिख नहीं रहा है, 19 किसके आसपास आएगा, 18 से 19 देखो, मतलब प्लस वन, उसके बाद H से A से B प्लस वन, H से I प्लस वन, ऐसे यहाँ पे क्रॉस हो गया है, और E का F, ठीक है, उसी तरह इसमें भी D से E प्लस वन, उसके बाद ये E से F प्लस वन, A से B प्लस वन, R से S प्लस वन, S से प्लस वन, तो ऐसे चल रहा है, बीच में जो है आपका क्रॉस हुआ है, तो ऐसा हमें करना है, इसमें प्लस वन कर दें, तो ये होता है 23 पे, ये 8 पे, ये 5 पे, ये 1 पे, ये 12 पे, तो 23 1 24 24 पे आपका क्या हो जाएगा X, ठीक है, इसमें प्लस, इसमें क्रॉस चलेगा आपका एक का क्रॉस ऐसे, तो एक का एक प्लस होगा तो यहाँ B, E से प्लस वन होगा तो F, H से प्लस वन होगा तो 8 के बाद 9 I आएगा, और L से प्लस वन होगा तो M होगा, तो X B F I M आपका कौन सा ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन होगा इसका आंसर, ठीक है। अगले ऑप्शन पे बढ़ते हैं 79 पे, क्वेश्चन नंबर 79 में भी कोडिंग डिकोडिंग से है, रोशन ROSHAN को कोड किया गया है SUTIEO और पूछा जा रहा है आपसे RANBIR का कोड क्या होगा, नंबरिंग करते हैं 18, ओ आपका 15, एस जो है 19 8 1 14 19 21 20 9
पाँच, पंद्रह, ठीक है, इसका भी कर लेते हैं, अट्ठारह, एक, चौदह, दो, नौ, अट्ठारह। अब आपसे देखते हैं ये कोड कैसे, अट्ठारह से एक प्लस हुआ उन्नीस, ओ से यू सीधे, तो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है, ओ क्या है, एक वॉवेल भी है, यू भी एक वॉवेल है, तो ओ से रिप्लेस हो गया कौन सा, एक अगला वाला वॉवेल, तो ये नेक्स्ट वॉवेल हो जाएगा, नेक्स्ट वॉवेल, ठीक है, ओ से अगला वॉवेल यू है, एस के बाद कॉन्सोनेंट में सेम प्लस वन, एच के बाद प्लस वन, ए फिर वॉवेल आया, तो ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वॉवेल से रिप्लेस हो गया, ठीक है, तो ई से फिर एन का प्लस वन, तो मतलब यहाँ आपको एक दिमाग लगाना है कि जो वॉवेल जहाँ आ रहा है वहाँ पे अगले वॉवेल से रिप्लेस हो जा रहा है, तो हम वही करेंगे, आर जो है ये कॉन्सोनेंट प्लस वन करेंगे, आर का एस हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा वॉवेल, अगले वॉवेल से रिप्लेस हो जाएगा ई, एन से प्लस वन करेंगे एम एन ओ, बी का क्या हो जाएगा सी, आई अगला वॉवेल क्या आएगा ओ, आर का एस, तो एस ई ओ सी ओ एस, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन जो सी होगा ये आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 80 नंबर, 80 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है 80। एक लड़के की तस्वीर को और देखते हुए हर्षित ने कहा, ठीक है, एक कोई लड़का है उसकी तस्वीर की ओर देखते हुए हर्षित है, हर्षित कह रहा है उसकी माँ मेरे पिता जो इसकी माँ है, ठीक है, उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, उसकी माँ मेरे पिता मतलब हर्षित के पिता के पुत्र, हर्षित के पिता के पुत्र मतलब खुद हर्षित की पत्नी है, तो मतलब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर्षित और ये इसके पिता, तो हर्षित ने कहा कि उसकी माँ, ठीक है, मेरे पिता के पुत्र मतलब हर्षित की पत्नी है, लेकिन मेरा कोई भाई बहन नहीं है, मतलब हर्षित ने बता दिया कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है, वो अकेला है, तो इसकी जो माँ है लड़के की वो क्या है, उसकी पत्नी ही है, तो पूछ रहा है आपसे रिलेशन कि तस्वीर में जो लड़का है वो कौन है, तो क्या है वो उसका क्या है, पुत्र है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, 81 जो है आपका सिलॉक्स के रिलेटेड क्वेश्चन है, कथन आपसे बोल रहा है कुछ पंखे दीवार हैं, कुछ पंखे जो हैं वो क्या है, दीवार हैं। अगला है, सॉरी, कुछ पंखे बोला है, कुछ पंखे दीवार हैं। अगला है, सभी दीवार रेडियो हैं। अब बोल रहा है सभी दीवार क्या हैं, रेडियो हैं, ठीक है, कुछ आपका निष्कर्ष है, पहला आसान सा क्वेश्चन था, कुछ पंखे रेडियो नहीं हैं, कुछ पंखे रेडियो नहीं, इसमें आप जब देखेंगे डायग्राम में कुछ पंखे रेडियो नहीं है, तो यहाँ पे दिख रहा है कुछ पंखे हैं कुछ नहीं है, मगर इसका एक डायग्राम और बनेगा कि मान लीजिए ये पंखे हैं, मैंने पूरे पूरे पंखे को, ठीक है, रेडियो बना दिया, एक डायग्राम इसका ये हो गया, कुछ पंखे ये आपका रेडियो हो गया, और कुछ पंखे आपके यहाँ पे दीवार हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपका जो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कुछ पंखे दीवार हैं, सही है, सभी दीवारें रेडियो हैं, तो यहाँ पे भी सभी दीवारें रेडियो हैं, एक डायग्राम तो ये हो गया, इसमें ऐसा लग रहा है कि पंखा जो है कुछ पंखे ऐसे हैं जो रेडियो नहीं है, मगर इस वाले डायग्राम में आपके पूरे के पूरे पंखे जो हैं रेडियो हो गए हैं, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में पूरे पूरे पंखे रेडियो होंगे, तो इसमें तो हम नहीं कर सकते ना कि कुछ पंखे रेडियो नहीं है, इस फिगर में आपका कुछ वाला गलत हो जा रहा है और इसमें सही हो जा रहा है, मगर वही आपका कंक्लूजन सही होता है, मैंने सिलॉक्स के लेक्चर में बताया, जो आपके जो भी उसके पॉसिबल डायग्राम बन रहे हैं उसमें भी वो सही हो, नो का जो केस होता है, तो इसलिए आपका ये जो आपका जो निष्कर्ष दिया गया है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, पहला आपका निष्कर्ष जो होगा वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि और इसके पॉसिबल डायग्राम में वो फॉलो नहीं कर रहा है,
बोला सभी रेडियो पंखे नहीं है। सभी रेडियो पंखे नहीं है का मतलब क्या, मतलब कोई भी रेडियो पंखा नहीं है। यहाँ पे देख रहे हो कि पंखा और रेडियो में रिलेशन है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा निष्कर्ष, तो दोनों गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन आपका डी जो होगा, यदि निष्कर्ष दोनों गलत हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन सीरीज है अल्फाबेट्स की, 82 क्वेश्चन 82 नंबर, डी ई एस आर ई, अगला है डी एस डबल ई आर, जैसे पिछला था वैसे ही यही ये भी सीरीज है, डी ई आर टेस्ट वन की तरह ही है, डी आर डबल ई एस। ठीक है, अब इसके पूछ रहा है कि अगला सीरीज में क्या होगा, तो देखते हैं डी ई एस आर ई, अगला है डी एस डबल ई आर। ठीक है, तो डी तो यही रह गया, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है, एस ये आ गया, ठीक, ये आर यहां चला गया, आपका जो ये ई है यहां आ गया, ये ई यहां आ गया। अगले वाले में आते हैं डी ई आर एस ई, तो जैसे ही इसमें हुआ वैसे करते हैं, डी को पहले ऐसे लिख लेते हैं। ठीक, ये ई जो आप लास्ट वाला आया है वो बीच में आया है, तो लास्ट वाला बीच में देखिए यहाँ पे भी आ गया, और ये वाला जो आपका लास्ट में है, और ये यहाँ पे जो ई है ये ई यहाँ आ गया, और ये एस यहाँ आ गया। अगला उसी तरह डी आर डबल ई एस, इसमें भी जो ये यहाँ पे आ जाएगा बीच में, ये सेम वही रहेगा। ठीक, आर जो आपका यहाँ हो जाएगा, ई यहाँ हो जाएगा, और एस यहाँ हो जाएगा। अगला क्या होगा, सेम वैसे ही देखते हैं, डी आपका सेम रहेगा, लास्ट वाला आपका जो है बीच में आएगा एस, उसके बाद ये आर ये ई जो है यहाँ पे आएगा डी ई एस। ठीक है, ये एस यहाँ आ गया, ये बीच वाला ई जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा, और आर जो है आपका यहाँ आ जाएगा, और ई जो है लास्ट में चला जाएगा, तो डी ई एस आर ई मतलब पहले जैसा हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नंबर सीरीज है 47, 40, 45, 38, 43, अगला पूछ रहा है। इसमें दो सीरीज चल रही है, देखिए एक ये दो दो कम हो रहा है, माइनस दो कितना आएगा 36, और एक सीरीज ये चल रही है माइनस दो की। ठीक है, तो इससे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 36, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं 84, डाटा सफिशियंसी से क्वेश्चन है। इसमें बोला दो मित्र उमेश और राजेश की आयु का अनुपात 4:3 है। ठीक, उसमें बोला कि आपको कौन सी स्टेटमेंट की जरूरत है जिससे आंसर निकल सके। तो पहला आपका क्वेश्चन में देखेंगे, पहला जो है उमेश राधा से 10 वर्ष बड़ा है, इसका कोई मतलब नहीं होता। लास्ट का जो ऑप्शन डी है आपका, उसमें बोल रहा कि 6 वर्ष पूर्व, क्योंकि ये प्रेजेंट का रेशियो दिया हुआ, 6 वर्ष पूर्व का रेशियो बता रहा है कि राजेश की जो उम्र है, जो राजेश की उम्र है वो उमेश की 50% के बराबर है। तो उमेश की 50% मतलब 1/2। ठीक, तो राजेश प्लस उमेश का जो रेशियो हो जाएगा वो 1:2 हो जाएगा, और यहाँ पे जो रेशियो दिया है उमेश और राजेश का वो 4:3 हुआ है। तो ऐसे में हमें जब दोनों का रेशियो मिल गया, ये 6 वर्ष पूर्व का है, ठीक है, पहले का रेशियो है, तो ये 4:3 उमेश और रेशियो है 4:3, और यहाँ पे उमेश का करेंगे तो 2:1 उमेश और राजेश का। तो यहाँ से हम देखें कि इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 6 साल का है, क्योंकि 6 साल पहले का है, ये डिफरेंस देख लें 1 का है, इसमें भी डिफरेंस 1 का है, तो ये आपका आंसर निकल आएगा। तो यहाँ से जब देखेंगे यहाँ पे 1:3 जाएगा तो 2:6, तो 1:3। ठीक, तो इस समय इससे आपका जो है 1:3, तो इसका हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 12, तो इससे आपका एज निकल आ जा रहा है दोनों का। तो आंसर आपका डी जो होगा सही होगा, कि डी की ही हो सकता है। डी की आवश्यकता से हम क्या होंगे, हमें अगर दोनों रेशियो पता चल जाएगा एक करंट का एक बात का, तो हम आंसर निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 85,
85 जो है में दिया गया है कि संख्या क्या है, आपको डाटा सफिशियंसी से बताना है। उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है? पहला स्टेटमेंट है उस संख्या का 20% उस नंबर का पांचवा हिस्सा है। इसमें बोल रहा है कि अगर कोई संख्या है उस संख्या का 20%, मतलब एक एक्स कोई संख्या है, इसका 20% मतलब 20% ऑफ एक्स जो उस नंबर का पांचवा हिस्सा है, मतलब 1/5 ऑफ एक्स, तो ये होता ही है। इससे कोई हमारा संख्या तो पता चल नहीं पा रही है, तो हमारा पहला स्टेटमेंट किसी काम का नहीं है। इससे हमारा आंसर नहीं होगा कि हमें संख्या वह एक्स पता चल जाए। दूसरा क्या है कि उस संख्या का 5/6 हिस्सा, मतलब 5/6 ऑफ एक्स, ठीक, उस संख्या का 5/6 सेकेंड से बोला जा रहा है हिस्सा उस संख्या से 15 कम है। मतलब ये वाला 5/6 ऑफ एक्स जो है उस संख्या से कितना कम है? 15 कम है। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5x, ये होगा 6x, 15 × 6 = 90 -90, तो यहाँ से आएगा 90 यहाँ और x यहाँ हो जाएगा, तो 6 में से 5 घटा देंगे तो x हो जाएगा, तो x बराबर 90। तो मुझे यहाँ से संख्या पता चल गई कि x क्या होगा हमारा, तो इसलिए हम इसका आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा कि ऑप्शन सेकंड जो है उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। अगला 86